हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान वर्षा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की। एक महान लेखक अपने लेखन कक्ष में बैठा हुआ लिख रहा था, पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया। इस ऑपरेशन के कारण बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा। इसी साल मैं 60 वर्ष का हुआ और मेरी पसंदीदा नौकरी चली गई। जब मैंने उस प्रकाशन संस्था को छोड़ा तब 30 साल हो गए थे मुझे उस कंपनी में काम करते हुए। इसी साल मुझे अपने पिता की मृत्यु का दुख भी झेलना पड़ा और इसी साल मेरा बेटा कार एक्सीडेंट हो जाने के कारण मेडिकल की परीक्षा में फेल हो गया, क्योंकि उसे बहुत दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। कार की टूट फूट का नुकसान अलग हुआ। अंत में लेखक ने लिखा, वह बहुत ही बुरा साल था। जब लेखक की पत्नी लेखन कक्ष में आई तो उसने देखा कि उसका पति बहुत दुखी लग रहा है और अपने ही विचारों में खोया हुआ है। अपने पति की कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसने देखा और पढ़ा कि वो क्या लिख रहा था। वह चुपचाप कक्ष से बाहर गई और थोड़ी देर बाद एक दूसरे कागज के साथ वापस लौटी और वह कागज उसने अपने पति के लिखे हुए कागज के बगल में रख दिया। लेखक ने पत्नी के रखे कागज पर देखा तो उसे कुछ लिखा हुआ नजर आया। उसने पढ़ा, पिछले साल आखिर मुझे उस गॉल ब्लैडर से छुटकारा मिल गया जिसके कारण मैं कई सालों से दर्द से परेशान था। इसी साल मैं 60 वर्ष का होकर स्वस्थ दुरुस्त अपनी प्रकाशन कंपनी की नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ। अब मैं पूरा ध्यान लगाकर शांति के साथ अपने समय का उपयोग और बढ़िया लिखने के लिए कर पाऊंगा। इसी साल मेरे 95 वर्ष के पिता बगैर किसी पर आश्रित हुए और बिना गंभीर बीमार हुए परमात्मा के पास चले गए। इसी साल भगवान ने एक्सीडेंट में मेरे बेटे की रक्षा की। कार टूट फूट गई लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बच गई। उसे नई जिंदगी तो मिली ही और हाथ पांव भी सही सलामत हैं। अंत में उसकी पत्नी ने लिखा था, इस साल भगवान की हम पर बहुत कृपा रही, साल अच्छा बीता। मित्रों, मानव जीवन में प्रत्येक मनुष्य के समक्ष अनेकों परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों का प्रभाव क्या और कितना पड़ेगा यह पूरी तरह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। चीजें वही रहती हैं पर नजरिया बदलने से पूरा परिणाम बदल जाता है। वक्त को दोष न देते हुए जीवन में सकारात्मक सोच रखें। मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। If you like our videos, please like, comment, share and subscribe.